Okay, very important, very critical. See, hypothesis और ANOVA में कभी कभी mean और standard deviation पहले ढूंढना पड़ेगा. वो मैन्युअली करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा और गलती भी हो सकती है. सो लेट अस लर्न हाउ टू डू इट ऑन अ साइंटिफिक कैलसी. सपोज ये दिया है 24, 13, 18, 19 और 21. वी वांट टू फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन. तो क्या करने का, देखो अपने कैलसी में ऑन के बाजू में मोड लिखा है, उसको प्रेस करो. फिर एस डी फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन, उसके नीचे क्या लिखा है, टू. तो यू प्रेस टू, तो अपने वो मोड में आ गए. अब पहला डेटा क्या था, 24. तो यू टाइप 24 और एम प्लस, तो स्क्रीन पे आएगा एन इज इक्वल टू 1. फिर 13 एम प्लस, तो एन 2. फिर 18 एम प्लस, फिर 19 एम प्लस और 21 एम प्लस. तो पांच डेटा थे, पांच हो गया स्क्रीन पे. तो वी हैव एंटर्ड द डेटा. अभी क्या करने का, शिफ्ट और 2. यू हैव टू प्रेस शिफ्ट एंड 2. तो ऐसा दिखेगा एक्स बार सिग्मा और एस. तो अपने काम का क्या है, एवरेज मतलब एक्स बार. तो 1, यू प्रेस 1 और इक्वल टू, तो क्या आया 19. मतलब अपना एवरेज 19 है. और फिर स्टैंडर्ड डिविएशन, तो फिर से आप शिफ्ट 2 करो, फिर से स्क्रीन आएगा. और उसमें हमेशा याद रखो कि 2 और 3 में हमको हमेशा 3 प्रेस करना है. तो 3 और इक्वल टू, सो 4.06 इज अवर स्टैंडर्ड डिविएशन. दैट इज द आंसर. तो एक्स बार और स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा, एवरेज और स्टैंडर्ड डिविएशन.